आपके घर में किसी ने बोला था कि मतलब वो हाँ मेरे कितने साल जो हो गए वो, वो 6-7 साल पहले क्या ही, बोले लाइक ये उन्होंने? जो बच्चे अभी तो 19 साल के हैं ये, हाँ ये लाइक ये 7th स्टैंड या कुछ में थे, हाँ तो हाँ उनके मेरे जो मैं जब ट्यूशन लेती थी उनके पेरेंट्स के कोई रिलेटिव बोल रहे थे कि हाँ कोई बच्चों को कराओ, या आप मिडिल क्लास फैमिली में हो, क्या कराने के लिए? नेपोश का? निबॉश कराने के लिए, क्योंकि हाँ वो बहुत अच्छा कोर्स है। हाँ क्यों बोले तो आपको वो जो स्टैंडर्ड जो जो ओके स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा वो मेंटेन करेगा। तो है ना, इनके पापा भी राबिक पेट्रोलियम में थे, तो वो हाँ भी इंचार्ज ऑफिसर थे हाँ उधर, हाँ तो वहाँ उनको जाके बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हाँ मतलब सैलरी से सैलरी भी से भी और हर बहुत चीज़, हुआ। सेफ्टी अपने आप से कैसे करते हैं हर हाँ चीज़ से। तो वो बोल रहे थे, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे मुझे, तो मतलब किसी आप, को किसी हाँ को तो भी एक को तो बनाना ही है, नबोज करवाना निबॉश है कराना ही है। ये, मतलब आप मतलब ये 6-7 साल बहुत साल बहुत से आपने साल से प्लान किया हुआ मुझे था। था ये कि हाँ 8-10 साल से कुछ तो करना यार, है, बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोला, आज मतलब मौका मिल गया आज चले शायद बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी यही हुआ। लेके आ गया। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, है, और ये बहुत अच्छा है प्रोग्राम जो है, मतलब बाहर जाने के लिए जो है ना, एक एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर मेडिकल कर रहे हैं, लेंगे। कहीं भी सेट हाँ हो जाएंगे। अभी एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या है कि सबसे बढ़िया प्रोग्राम क्या करना है, मेरे को कम समय में आगे बढ़ना है और अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब, मतलब ये नहीं कि जॉब पाना है तो मैं तो वैसा, जॉब तभी खुश होता है जब आदमी मुझे इज्जत करता है। वही मैंने और क्यों बोले, तो जॉब ये में जो इस रिस्पेक्ट, जॉब में मैं एक आपको, टीचर हूँ, हाँ मैं जो भी एक्सलेंट डिस्टिंक्शन होती है उनको फोकस नहीं करती, जो कमज़ोर है उनको ऊंचा उनको लेके फोकस, आना, उनको ऊंचा लेके तो आना। हाँ वैसे मेरा ये है ही। हाँ तो मैंने बोला ये तो अच्छा पढ़ता है वो, ऐसे नहीं, बट इसके दिमाग में आता या नहीं, जो ये इसको निगोश करना था तो मैंने उसको जरूर डालना करेगा, ही और ये है। अच्छा करेगा, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये बहुत अच्छा करेगा निबोश। आप बस थोड़े से निबोश के बारे में, देखो पैसे अमरीका, इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ नॉलेज इम्पॉर्टेंट हाँ है, जब नॉलेज आएगी पैसा खुद चल के खुद खुद आएगा। चल जाएगा, खुद चल जाएगा। बचपन से मैं उनको यही सिखाती हूँ, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा पैसा दौड़ के आपके आएगा, पीछे जब भागेगा। आप नॉलेज दोगे भी किसी को, बांटोगे भी, तभी तो नॉलेज सबको आएगी। ये चीज़ बहुत बड़ी बात, मैंने इसको रिकॉर्ड कर रखा है, क्योंकि ये जो मतलब मम्मी को बहुत दिनों से पता था नबोश कराना है मेरे बच्चों को। हाँ इनकी सोच एक सपना, मतलब वो तो दिमाग में बैठा के रखा था कि मतलब क्योंकि मैंने जब, मेरे हस्बैंड को देखा था ना, वो जो पिक्चर्स देके भेजते थे, फिर फैक्ट्री में अल राबिक पेट्रोलियम, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ी प्रोजेक्ट है वगैरह वाराणसी है तो, वहाँ बहुत बड़ा पे, प्रोजेक्ट, और पैसे भी वैसे ही पैसे बहुत मिलते देते हैं, हैं, पैसे 1.5-2 लाख रुपए मतलब कमाते थे। मिनिमम जो है, अगर इंडिया में अगर आप जैसे 20,000 रुपये 25,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलते हैं, तो वहाँ पे समझ लो कि इक्वल टू 1 लाख है, फाइव और टाइम्स इसी ऑफ। की वजह से मैंने इसको उनको बुला लिया था, पैसे सब छोड़ के। चलो अब अभी ये जाएगा शायद। नहीं, अब आप आगे के जनरेशन को आप बढ़ाओ।